नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ईश्वर रिसर्च में। आज के शुरू यहाँ पे बात करेंगे मंजीत भाई का। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हुआ है कोटक बैंक का। इनके पास यहाँ पे सिग्नेचर रॉयल कार्ड है जिसका लिमिट यहाँ पे 2,35,000 है। अब यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हुआ है जो हो गया है 4,50,000, मतलब 4.5 लाख रुपये हुआ है। तो कैसे हुआ है, कितने समय में हुआ है, क्या ट्रिक है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो सुन जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक को शेयर शुरू करना। देखिए कोटक बैंक, पहली बात यहाँ पे जब पहले मिलता नहीं था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है, वेरिफिकेशन बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस के बाद क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिलता है कोटक बैंक का। अब तो धीरे धीरे विदाउट इनकम प्रूफ भी मिलता है, बहुत इजीली हो गया, पहले के मुकाबले बहुत ईजी अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलने लगा है। कोटक बैंक का अकाउंट रहेगा जीरो बैलेंस, तो उसमें भी यहाँ पे बहुत जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड जब मिल जाता है तो लिमिट इंक्रीज, कार्ड अपग्रेड, ऑफर बहुत सारे मिलते हैं। जब यहाँ पे नहीं मिलता, अब कार्ड जल्दी मिलता तो नहीं है, लेकिन मिल गया तो ऑफर भी बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। मंजीत भाई हैं जिनका यहाँ पे आठ महीने के अंदर इनका देख लीजिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 2,35,000 की लिमिट है। सिग्नेचर रॉयल कार्ड है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, 2,35,000 का यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है, 2,35,000 का। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनको ऑफर आया लिमिट इंक्रीज करने का, जो यहाँ पे अभी है 4,42,586 रुपया हो चुका है। अब देखिए लिमिट इंक्रीज का यहाँ पे पहले यहाँ पे जो लिमिट है 2,35,000 दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे न्यू लिमिट यहाँ पे 4,50,000 हो गया है। 4,50,000 मतलब यहाँ पे 2,15,000 रुपये का लिमिट इंक्रीज का ऑफर दिया गया है। 2,15,000 इतने बड़े अमाउंट के साथ यहाँ पे लिमिट इंक्रीज का ऑफर आया है। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट, मतलब डायरेक्टली एक तरफ से समझ लीजिए डबल कर दिया गया है इतने बड़े अमाउंट पर, छः से आठ महीने में इतना बड़ा अमाउंट का यहाँ पे लिमिट इंक्रीज का ऑफर आया। इनको मैसेज आया, बोल रहा है कि भाई मुझे मैसेज आया, देखिए आपके सामने मैसेज मुझे स्क्रीनशॉट्स के जरिए यहाँ पे भेजे हैं, पूरे डिटेल में यहाँ पे बताया। और जैसे ही यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुआ, लिमिट इंक्रीज तो यहाँ पे इंस्टेंट हो जाता है, कभी काल इशू आता है तो यहाँ पे लेट होता है, नहीं तो लिमिट इंक्रीज जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, सबमिट करते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए मेल मैसेज सब कुछ आ गया था तो इन्होंने भेजा, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट लिमिट इंक्रीज का ऑफर देता कैसे है। पहली बात तो यहाँ पे क्या रहता है कि कार्ड अगर आपको मिलता है, जब भी कोई भी कार्ड मिलता है तो छः महीने के बाद ही यहाँ पे होगा, कोई भी कार्ड रहे, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है किसी भी बैंक का तो 6 महीना या के बाद ही यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज का ऑफर दिया जाता है। 6 महीने के पहले आप कितना भी बड़ा यहाँ पे इनकम प्रूफ रहे आपके पास, कुछ भी रहे तो नहीं होगा, ठीक है, 6 महीना मिनिमम रुकना पड़ेगा। अब देखिए इनको 8 महीने में ऑफर आया, 8 महीने में बोल रहे हैं कि मैंने आज तक कुछ नहीं यूज किया, मतलब कुछ यूज ही नहीं किए हैं, बस एक बार बोल रहे हैं कि मैंने 13,000 का मोबाइल परचेस किया था, वो भी ई एम आई पे 13,000 का मोबाइल परचेस किए थे, और 13,000 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली इनको ऑफर मिला ये लिमिट इंक्रीज का। अब ऐसा क्यों होता है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अब ज़्यादातर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पे बैंक का, जैसे कोई भी बैंक का है, कोई भी बैंक आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोटक का हो, इंडसइंड, किसी भी बैंक का हो, जब आप यहाँ पे कोई भी परचेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को या अपने यहाँ पे स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा लिमिट इंक्रीज का। लिमिट इंक्रीज का ऑफर आपको ज़्यादा चांसेस है मिलने का, क्यों है? देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बड़ा स्पेंड कर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह यहाँ पे अपने क्रेडिट लिमिट को यूज करते हैं, उस लिमिट को हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट लिमिट को अपने ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उससे बैंक को यहाँ पे बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, वगैरह वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है, तो उससे क्या होता है बैंक को बेनिफिट मिलेगा। बैंक को बेनिफिट लगेगा तो बैंक ये सोचेगी कि एक बार बंदा किया इतने बड़े अमाउंट का, तो हम क्यों ना थोड़ा और यहाँ पे लिमिट इंक्रीज करते हैं, तो हो सकता है और भी यहाँ पे बड़ा अमाउंट यूज करेगा। अगर कार्ड को ज्यादा लिमिट रहेगा तो पेड नहीं कर पाएगा, तो हम उसको ऑफर भी देंगे, ऑफर नहीं लगेगा तो हो सकता है वो अपने आप ही यहाँ पे कर दे, तो इसलिए बैंक क्या करती है लिमिट को इंक्रीज करती है, क्योंकि आप जब बैंक को बेनिफिट देंगे तभी तो आप वहाँ पे लिमिट इंक्रीज का ऑफर देगी। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है यूजर्स के हिसाब से, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है वो एक बार ट्राई करके देखे। जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लेते हैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट करें, ईएमआई में 1-2 यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट करके देखिए, आपका लिमिट इंक्रीज होगा। ऐसा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप बेनिफिट दे रहे हैं, बैंक को यही लगेगा कि जब हम यहाँ पे जैसे 10,000-20,000 लिमिट है तो हम यहाँ पे उसमें 10,000 का ईएमआई कन्वर्ट कर देते, तो बैंक ये सोचे कि इतना कर रहा है तो कुछ ना, हम इसका लिमिट अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर और भी यहाँ पे
क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर दी, तो ये सब सोच के ही बैंक आपको लिमिट इंक्रेस करने का ऑफर देती है। तो अगर आपका लिमिट इंक्रेस नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि इनका भी देखिए 6 से 8 महीने में 13,000 का ही प्रोडक्ट लिया है, वो भी ईएमआई पे, और इनको इतना बड़ा अमाउंट का ऑफर मिला है। यहाँ तो ये होता है कि भाई हमें इतने बड़े अमाउंट का क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता, इनको डायरेक्टली लिमिट इंक्रेस का मिला है। ज़्यादातर लोगों को मिलता है इतने बड़े बड़े अमाउंट का, लेकिन जल्दी चांसेस नहीं रहते हैं। तो देखिए आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार, क्रेडिट कार्ड से अगर आप यहाँ पे लिमिट जो है उसको यूज करके भी अगर ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तभी भी चांसेस है, या कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे लेते हैं कहीं भी शॉप पे या कुछ भी लेते हैं डायरेक्ट ईएमआई में कन्वर्ट कराते तो भी चांसेस है कि आपका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट का ऑफर जल्द से जल्द मिलने के। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, इनको कैसे मिला, कितने दिन में मिला और कितना मिला, मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बता दिया, कौन सा कार्ड था, कितना पहले लिमिट था, सारा कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ। कोटक बैंक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे आई बटन में, वहाँ पे देख सकते हैं, इसके पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो दे दिया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा, कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।